ससुरालियों ने विवाहिता की हत्या। संभल से खबर, जहां पर ससुरालियों ने विवाहिता की हत्या कर दी। दहेज की मांग पूरी ना होने पर की गई हत्या। पुलिस को बिना सूचना किया अंतिम संस्कार। पुलिस ने अधजले हुए अवशेष को बरामद किया है। फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है अधजला शव। मायके वालों ने लगाया है आरोप। ससुरालियों ने 2.5 महीने के बच्चे को भी कर दिया था गायब। फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है शव। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रईस अलवी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रईस, क्या कुछ जानकारी इस पूरी घटना को लेकर? लेकिन बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, ये दहेज का मामला बताया जा रहा है। ये जो है दहेज क्षेत्र की मामला यहाँ पर ही बताया जा रहा है कि विवाहिता जो है किसी बात को लेकर कहा सुनी हो गई थी, तभी विवाहिता की जो है हत्या कर दी। और हत्या की जो है अंतिम संस्कार जो है बिना मैके वालों को बताए हुए जो है आनंद फानंद में उसका अंतिम संस्कार करने लगे। जैसे पुलिस को सूचना मिली, पुलिस जो है मौके पर पहुंची और जो अभिषेक थे मृतक के उसको जो है कब्जे में लिया पुलिस ने और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। लेकिन जो मैके वाले हैं, मैके वालों ने जो है हत्या का जो है आरोप लगाया है और पति सास ससुर आदि पर जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस जो है लगातार इनकी जो है जांच कर रही है और जांच के आधार पर जो है जो ससुराल के 25 लोग जो है वो मौके से फरार बताए जा रहे हैं। जी जी रईस, आपने यहाँ पर परिजनों से बात करने की कोशिश की है, उनका क्या कुछ कहना है इस संदर्भ में? जी बिल्कुल, अगर परिजन की बात की जाए तो परिजनों का साफ कहना यह है कि पति सासू से मिलकर जो है हमारी बेटी की हत्या की है और इसमें हत्या की मामला जो बताया जा रहा है वो दहेज के संबंधित बताया जा रहा है। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बता दें आपको कि यहाँ पर ससुरालियों ने विवाहिता को उतारा मौत के घाट और उसके बाद अंतिम संस्कार भी कर दिया बिना पुलिस को सूचित किए हुए। और रुकिंग छोर से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं।